नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ आज का ये क्लास और लेक्चर प्रारंभ किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण, यह टॉपिक निर्धारित किया गया है। इस टॉपिक के माध्यम से पूरे संविधान एवं राज्य व्यवस्था को समझने में काफ़ी आसानी होगी, इसलिए हम आज के टॉपिक के रूप में संविधान सभा और संविधान के निर्माण का टॉपिक निर्धारित किए हुए हैं। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। संविधान का निर्माण क्योंकि संविधान सभा के द्वारा किया गया था, इसलिए हम लोग संक्षिप्त में संविधान सभा की पृष्ठभूमि पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा 1922 ईस्वी में अपना विचार व्यक्त किया गया था कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा ही किया जाना चाहिए, और महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर संविधान सभा की मांग को रखा था। इसी बात को 1934 ईस्वी में M.N. राय के द्वारा भी व्यक्त किया गया था, और 1935 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस के द्वारा इस बात को अपने सभा में स्वीकार किया गया कि संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी बात को स्वीकार किया। सबसे पहली बार ब्रिटिश शासन के द्वारा अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। ये अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। पुनः भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। तो यह एक क्रमिक जो है अवधारणात्मक समझ है संविधान सभा के बारे में, जो कि उसके पृष्ठभूमि और उसके मार्ग को स्पष्ट करता है। तो संविधान के पृष्ठभूमि के साथ जो संविधान सभा के लिए जो है कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए थे, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था। तो संविधान सभा के लिए 389 सदस्य निश्चित किए गए थे। इसमें 296 सदस्य प्लस 93 सदस्य, 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से लिए जाने थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से इसमें लिया जाना था। तो 296 में 4 सदस्य आयुक्त कार्य आयुक्त के प्रांतों से थे और प्लस 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, टोटल 296 सदस्य लिए जाने थे। इसमें प्रत्येक प्रांत को जो सीटें आवंटित की गई थी वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में था, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य थे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का उसमें चयन किया जाना था। इसी तरीके से ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे वहां पर प्रत्येक प्रांत को जो सीटें आवंटित की गई थी वो वहां की 3 प्रकार की जनसंख्या के वर्गों के आधार पर आवंटित की गई थी। इसमें मुस्लिम थे, सिख थे और सामान्य थे। मुस्लिम, सिख और सामान्य, इनकी जनसंख्या उस प्रांत में जितनी होती थी उसे 10 लाख से भाग दे दिया जाता था, और जो भी संख्या आती थी वो उस वर्ग की सदस्य संख्या। मान लीजिए किसी भी प्रांत में 3 प्रकार के वर्गों में जो है ये सिख, मुस्लिम और सामान्य, मान लीजिए मुस्लिम की जनसंख्या किसी में 2 करोड़ है, इस 2 करोड़ को 10 लाख के अनुसार सीटें आवंटित की गई तो यहां पर 20 सदस्य हो जाएंगे। इस प्रांत को 20 सदस्य संविधान सभा में इस वर्ग से जाएंगे, और इन 20 सदस्यों का जो चयन था वह उस प्रांत की जो है विधानसभा, विधानसभा में भी जो सदस्य इस वर्ग के गए हैं, मुस्लिम वर्ग के जो सदस्य यहाँ पे गए हैं, उन्हीं सदस्यों के द्वारा इन सदस्यों का चयन किया जाना है, जो कि सीटें जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई। मुस्लिम वर्ग के लिए ये सभा, मान के चलिए संविधान सभा है और ये विधानसभा, तो संविधान सभा के लिए अगर 20 सदस्य निर्धारित किए गए हैं तो इस वर्ग के द्वारा जो वहां की विधानसभा में सदस्य थे उन्हीं सदस्यों के द्वारा यहाँ के सदस्यों का चयन कर लिया गया था, उन्हीं के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, बल्कि उस समय व्यवस्था में आई और विद्यमान विधानसभा के द्वारा इनका चयन किया गया था। तो इस तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग के जनसंख्या के अनुपात में यहाँ पे सीटें आवंटित की गई थी। ध्यातव्य है कि सिख समुदाय के लोग संविधान सभा में सम्मिलित होने से इनकार कर दिए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो
यहाँ पे सिद्धांत के रूप में इस तरीके से 4 से 5 पॉइंट हैं जो संविधान सभा के सदस्यों, संविधान सभा के गठन के लिए संविधान सभा के सदस्यों से संबंधित था। संविधान सभा के सिद्धांत के बाद इसके चुनाव और गठन दो बिंदु थे। चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए, और संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों के लिए चुनाव होगा, क्योंकि देसी रियासत पहले ही मना कर चुकी है, तो 296 ही सदस्यों के लिए चुनाव किया गया। 296 में जो पार्टी वाइज जो प्रतिनिधित्व हुआ, जो सीटें प्राप्त हुई, इसमें 208+73+15 इस तरीके से सीटें जो है प्राप्त हुई थी। ये कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, ये मुस्लिम को प्राप्त हुई थी, ये अन्य वर्ग को प्राप्त हुई थी। इस आधार पे 296 सीटें प्राप्त हो गई। जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव हुए और नवंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। इस तरीके से चुनाव और गठन का कार्य जुलाई 1946 से लेकर नवंबर 1946 के बीच संपन्न हो गया। ये सारे डेट्स जो है इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी हैं। इसके अलावा भी कई डेट्स हैं जो बुक्स में, किताबों में मिलेंगे। यहाँ पर आपको केवल महत्वपूर्ण डेट्स बताए जा रहे हैं ताकि आपको कंठस्थ हो सके प्रथम वरीयता में, बाकी दूसरी बार तीसरी बार नोट्स और किताबों का अध्ययन करने के बाद आपको अन्य महत्वपूर्ण डेट्स भी याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से चुनाव एवं गठन इस बीच में संपन्न हो गया। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और संविधान सभा ने जो कार्य किया उसके लिए भी उन्होंने एक सहमति का सिद्धांत अपनाया था कि वो सहमति के आधार पर काम करेगा। इस चीज को समझना आवश्यक है। विरोध और मत प्रयोग के आधार पर किसी भी व्यवस्था को अपनाने के बजाय उन्होंने सहमति के सिद्धांत को अपनाया, क्योंकि यह एक सामान्य कानून नहीं था बल्कि एक विशिष्ट कानून था जो पूरे देश की व्यवस्था को व्याख्यायित करने, पूरे देश की व्यवस्था में ध्यान में रखते हुए शासन का संचालन करने से संबंधित थी। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा कानून बनाया जाना आवश्यक था जो पूरी तरीके से पूरे देश की व्यवस्था को समझ सकती थी। तो ऐसी स्थिति में सहमति के सिद्धांत का अपनाया जाना आवश्यक है। अगर यहाँ पर मतदान की व्यवस्था होती तो निश्चित तौर पर कुछ संविधान के सदस्य उसके विरोध में आते और ये माना जाता कि पूरे संविधान का समर्थन उस विशिष्ट प्रावधान को नहीं है। ऐसी स्थिति में विरोध और मतदान के स्थान पर सहमति के सिद्धांत को अपनाया गया था। संविधान के कार्य करने का जो आधार था वो समितियां थी। समितियों के आधार पर संविधान सभा ने अपना काम किया और 8 महत्वपूर्ण जो है समितियां थी। इसमें नियम समिति, संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य वार्ता समिति, संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक से संबंधित, इससे संबंधित समिति और प्रारूप समिति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 मुख्य समितियां थी जिसके माध्यम से संविधान के विभिन्न प्रकार के जो प्रावधानों पर चर्चा करते उससे संबंधित नियमों का संकलन किया जा रहा था। इन दोनों के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन तीनों से संबंधित
नेहरू जी थे, इन दोनों से संबंधित पटेल जी थे, और इसके जो है अंबेडकर जी थे। इस तरीके से आठ महत्वपूर्ण समितियां थी जिसके माध्यम से संविधान का ढांचा तैयार किया जा रहा था, उससे संबंधित कानूनों का संकलन किया जा रहा था। यहाँ पे इस क्रम से इसलिए बनाया गया है ताकि एक व्यक्ति से संबंधित जो भी समिति थी उसके अध्यक्ष के बारे में आसानी हो सके। किताबों में ये अलग तरीके से बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी व्यवस्था के रखा गया, जिसे याद करने में कठिनाई होती है। यहाँ पर इसको एक तरीके से रख दिया गया है ताकि इसे याद करने में आप लोगों को आसानी हो सके। तो ये आठ महत्वपूर्ण जो है समितियां बनाई गई थी। इसके अलावा तीन और समितियां थी जिससे संबंधित सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है और उसने भी जो है कार्य किया था। झंडा समिति, मौलिक अधिकार से संबंधित समिति और अल्पसंख्यक, ये दोनों उप समितियां थी। ये तटस्थ स्वरूप की थी, राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार जेबी कृपलानी जी थे और एचसी मुखर्जी। ये तीन प्रकार की जो है समितियां थी, झंडा समिति, तदर्थ समिति थी, राजेंद्र प्रसाद जी थे, इससे संबंधित सवाल कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, और मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति जो थी वो जेबी कृपलानी थी, इसके अध्यक्ष थे, और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति जो है एचसी मुखर्जी इसके समिति थे। इनसे संबंधित प्रावधानों की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी और इससे संबंधित कानूनों का संकलन इनके द्वारा बनाया गया था। इन समितियों में जो एक प्रारूप समिति थी, अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, और इसमें दो डेट इंपॉर्टेंट है, एक तो एक 29 अगस्त 1947 और 21 फरवरी 1948, ये दो डेट थे। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यह समिति का जो कार्य है इसको जान लेना भी महत्वपूर्ण है कि प्रारूप समिति का कार्य पूर्व में जो भी समितियां थी उनके द्वारा किसी विषय पर जो कानून का संकलन किया जाता था उससे संबंधित ड्राफ्ट तैयार करना, उससे संबंधित काम प्रारूप को तैयार करना था। तो ये 29 अगस्त 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया और 21 फरवरी 1948 ईस्वी को इसने अपना प्रारूप अंतिम रूप से बना दिया। तो इस तरीके से 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से जो कार्य प्रारंभ हुआ वह कार्य 21 फरवरी 1948 के बीच में इसके प्रारूप और ढांचे को तैयार किया गया। इसमें संविधान सभा ने जो कार्य प्रारंभ किया था वो 9 दिसंबर, ग्यारह दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, ये तीन डेट हैं, ये तीनों क्रम से हैं। 9 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक हुई थी, और इसमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई भी सभा किसी की अध्यक्षता में काम करता है तो चूंकि इस सभा में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सदस्य को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त और चयन और नियुक्त नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया और 11 दिसंबर की जो बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, और इसी तरीके से एच एस उपाध्याय को इसका उपाध्यक्ष चुना गया, इसका उपाध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और एच एस उपाध्याय को
इसका उपाध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, यह महत्वपूर्ण है। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बातें थी? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में पूरे संविधान में जो व्यवस्था की जानी थी उसके दर्शन को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत के बाहर या भारत क्षेत्र के अंतर्गत जो भी भूभाग है, जो भी लोग हैं इसमें शामिल होंगे, वो सभी लोग भारतीय संघ के अंतर्गत आएंगे। इसी तरीके से बताया कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र होगा। यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, न्याय पर आधारित एक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी, पिछले हुए वर्ग के लोगों को, जनजातीय वर्ग के लोगों को, महिलाओं की सुरक्षा दी जाएगी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान के महत्वपूर्ण दर्शन को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। और इसे जो है 22 जनवरी 1947, क्योंकि दिसंबर के बाद जो अगला महीना जनवरी होगा तो ये नया साल भी आ जाएगा 1947। यहाँ आपने देखा कि संविधान सभा के प्रारंभ की जो डेट है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर को अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव और 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो इस तरीके से यह डेट वाइज एक क्रमागत विकास है जो कि एक अवधारणा को समझने और उसको विकसित करने में आपकी मदद करता है। पूर्व के पहले लेक्चर में भी जो है प्रिपरेशंस के डायमेंशंस में हमने जो है तैयारी करने के तरीके को बताया था। कुछ चीज़ों को, कुछ कॉन्सेप्ट को हम छोटे से बड़े, कुछ कॉन्सेप्ट को बड़े से छोटे, कुछ कॉन्सेप्ट को जो डेट आधारित हैं उन्हें हम कम से ज़्यादा की तरफ या पूर्व से उत्तर की तरफ जो है बढ़ करके तैयार करते हैं, जिससे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में और याद करने में भी आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, उत्तर को लिखने में आपको आसानी होगी और आपके उत्तर को प्रभावी बनाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 9 दिसंबर से प्रारंभ हुआ, इसके कार्य करने का जो सिद्धांत था वो सहमति को अपनाया गया, काम करने का जो आधार था वो समितियों के द्वारा जो है किया गया और इन आधारों पर काम करते हुए संविधान को पूरा किया गया। संविधान निर्माण में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे देख लेते हैं। इसमें 12 अधिवेशन हुए थे, 11वां अधिवेशन 26 नवंबर 1949 और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950। 11वां अधिवेशन में संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था और अंगीकृत करने के समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ये मूल संविधान में वर्तमान समय में इसमें संशोधन करके अन्य अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में विद्यमान है। तो 26 नवंबर 1949 को 11वें अधिवेशन में संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था और 24 जनवरी 1950 को 12वें अधिवेशन में इसमें 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी अधिवेशन में भारतीय गणराज्य के लिए प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और यहाँ पर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही भारत के राष्ट्रध्वज को भी अपना लिया गया। तो इस तरीके से संविधान सभा का कार्य जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत कर लिया गया और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को सदस्यों के द्वारा इसमें हस्ताक्षर कार्य कर लिया गया था। यहाँ पर 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, लगभग 64 लाख रुपए इस संविधान को बनाने में खर्च भी हुए थे। तो आज के इस क्लास में संविधान सभा की एक पृष्ठभूमि, संविधान सभा के लिए जो चुनाव, संविधान का गठन, संविधान सभा के निर्माण के लिए संविधान सभा के द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाना, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए सिद्धांत, उसके आधार, उसके अंगीकरण इत्यादि पर व्यापक रूप से हम लोगों ने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक इतना ही है।